हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कम्पिटिटिव और अकेडमिक क्लासेस में। तो आज का पार्ट नंबर 4 है सिलोलिज्म का। तो आज हमने आपके अभी तक 12 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगर आपने वो वीडियो तीनों नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उन वीडियो को पहले देख कर आना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज 13वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है ये कि कुछ स्टूडेंट एक्टर हैं, कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र क्या है, कुछ छात्र एक्टर है, कुछ छात्र क्या है, एक्टर है, यानी जो नृत्य वो करने वाले हैं, एक्टर हैं, जो मूवीज बनाते हैं, मूवीज में हीरो का काम करते हैं, तो हम उसे एक्टर ही दे रहे हैं। जीरा, कुछ छात्र एक्टर हैं। ठीक है, कुछ छात्र एक्टर हैं। ये कथन है, पहला कथन है आपका, कथन चल रही है। ठीक है, नंबर दूसरा कह रहा है कुछ एक्टर कूल है, कुछ एक्टर कहते हैं मूर्ख है, तो कुछ एक्टर। नंबर दो है कुछ एक्टर कहते हैं मूर्ख है, कुछ एक्टर कहते हैं मूर्ख है। नंबर तीन, स्टेटमेंट नंबर तीन दिया है सभी स्टूडेंट बॉयज हैं, तो सभी छात्र लड़के हैं, सभी छात्र लड़के हैं, लड़के हैं, ये दिए हैं तीन स्टेटमेंट आपको। अब यहाँ पे कंक्लूजन आपको दिया है, निष्कर्ष क्या, निष्कर्ष कहेंगे से हम, तो निष्कर्ष नंबर वन दिया है कुछ लड़के मूर्ख हैं, कुछ लड़के मूर्ख हैं, कुछ लड़के मूर्ख हैं, कुछ लड़के मूर्ख हैं। नंबर दो कह रहा है कुछ लड़के एक्टर हैं, कुछ लड़के एक्टर हैं, कुछ लड़के एक्टर हैं, एक्टर हैं। ठीक है, कुछ लड़के एक्टर हैं, दो ही दिए हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इन्हें देखते हैं कि ये फॉलो होते हैं या फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले में कुछ छात्र, यानी कुछ, अभी तो इसमें ये देखो कि निष्कर्ष में आपका किस और किसके बीच में रिलेशन ये दे रहे हैं, तो लड़के और मूर्ख के बीच में ये रिलेशन दे रहे हैं। लड़के कहाँ है, लड़के तो ये रहे मेरे पास, अब मूर्ख कहाँ है, मूर्ख ये रहे मेरे पास। ठीक है, अब देखिए छात्र है इसमें, एक्टर है, कॉमन इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो हम ये देखते हैं पहले, इसे पहले जोड़ दें इन दोनों को। देखिए एक्टर, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, कुछ लड़के मूर्ख हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ पहले क्या है, कुछ एक्टर मूर्ख हैं और सभी छात्र। अब देखिए इसमें इसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ये देखिए क्या दिया हुआ, कुछ छात्र एक्टर हैं, ठीक है, और लड़के मूर्ख हैं, तो लड़के और मूर्ख के बीच में उन्होंने रिलेशन पूछा है। ठीक है, तो इसमें एक बार चेक करते हैं, सम स्टूडेंट्स आर एक्टर, ऑल एक्टर्स आर, यहाँ पे थोड़ा फर्क लग गया, अब यहाँ पे हम सभी होना चाहिए। ठीक है, सभी लिख लीजिए, हम सभी, ठीक, अब सही है, अभी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। तो अब देखिए हमें लड़के और मूर्ख के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी ये छात्र और एक्टर नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ड है, तो पहले हम एक्टर एक्टर जोड़ देते हैं, पहले और दूसरे को। ठीक है, तो देखो एक्टर के आगे 100 है क्योंकि ये सभी लिखा हुआ था 100 है, और यहाँ पे एक्टर के पास 50 है, तो एक के पास 100 होना चाहिए और कॉमन वर्ड होना चाहिए। तो देखिए एक्टर से एक्टर मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो
सेंटेंस सीधा ऐसा आ गया, कैसा स्टूडेंट सीधा पड़ गया, कुछ छात्र कैसे हैं मूर्ख है, ये हो गया सीधा। अभी हमारा काम नहीं चला, तो अभी लड़के में पहुंचना है, ठीक है। तो अब देखते हैं अब हमें किस किस को जोड़ देंगे। अब देखिए पहले पहले को और तीसरे को, तो छात्र के आगे कितना है 100 है, इसके छात्र पे के लिए सभी लिखा हुआ है और यहाँ छात्र पे 50 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो अब सीधा सेंटेंस कैसा पढ़ा जाएगा, ये तो कुछ हो गया है, यहाँ पे कितना है ग्रुप के पास 50, ठीक है, लड़के के पास यहाँ भी कितना है 50, ठीक है। सीधा सेंटेंस पढ़ जाएगा, कुछ मूर्ख लड़के हैं या कुछ लड़के मूर्ख है, तो कह दिया कुछ लड़के मूर्ख है। तो यही देखिए कुछ कुछ लड़के यानी 50 बोला है लड़कों को, 50 है ये, तो पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव ये भी है, तो 50 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद 50 बोला है तो सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, कुछ लड़के एक्टर हैं, लड़के और एक्टर के बीच में बात की है, तो लड़के ये रहे एक्टर ये रहे, ठीक है, एक्टर ये रहे लड़के ये रहे। अभी अब एक्टर और लड़कों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। एक्टर और लड़कों के बीच में देखिए कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा लड़कों और एक्टरों के लिए। तो ये हमारा किससे आया है, ये हमारा तीनों से आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों जुड़ने पे आया था। अब यहाँ लड़के और एक्टर के बीच रिलेशन पूछा है, तो एक्टर ये रहा लड़के ये रहे, अब जोड़िए। तो देखिए पहले हमने क्या किया, पहले हम जोड़ देते हैं छात्र से छात्र, तो सीधा लड़के और एक्टर के बीच में रिलेशन निकलेगा। अभी ये देखिए ऐसे हम मिटा के अभी दिखाएं आपको, देखिए ऐसे मैं इसे मिटा देता हूँ ऐसे करके पूरा, ठीक है। अब देखिए तो हम लड़के और किसके एक्टर एक्टर के बीच में पहुंच जाएंगे कैसे, कि छात्र से छात्र हमने जोड़ दिया। ये किससे जोड़ा, फ्रॉम सेकेंड थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट से आएगा ये। तो फिर सीधा क्या पड़ जाएगा, एक्टर के पास 50 है, लड़के के पास 50 है, तो लड़का 50 रख रहा है यहाँ भी, तो कुछ लड़के 50 और यहाँ पे भी 50, ऑब्जेक्ट के पास तो पॉजिटिव सेंटेंस है 50 आएगा, तो 50-50 बढ़ाया तो सही हो जाएगा, यानी ये दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों स्तर दिए हुए हैं वो दोनों सही हो जाएंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 14 में कथन लिखिए, कथन नंबर 1 कह रहा है सभी कार बस हैं, सभी कारें बसें हैं, ठीक है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट है सभी बसें ट्रेनें हैं, ठीक है। नंबर तीसरा दिया है कुछ बसें प्लेन हैं, यानी हवाई जहाज वाला, ठीक है, प्लेन यानी हवाई जहाज वाला ये प्लेन। अब आया निष्कर्ष, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है सभी कारें प्लेन हैं, सभी कारें प्लेन हैं। तो ये आपको निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी कारें कैसी हैं प्लेन हैं। अब निकाले इसे, कार और प्लेन के बीच में पूछा है, तो कार कहाँ पे, कार ये रही, प्लेन ये रहा, अब जोड़ना है तुमको, तो पहले बस के पास जोड़ दिया, ठीक है, तो बस के पास कितना है 100 है,
और यहाँ पे कितना 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट के बाद 50 50 ही होगा, 50 50, ठीक है। उसके बाद ये कुछ है यानी इसके पास 50 है तो यहाँ, यहाँ इसके पास 100 है, ठीक है। तो बस से बस मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ट्रेन और हमारे कार के बीच में रिलेशन आया। तो अभी हमें प्लेन की तरफ ले जाना है, तो अब देखिए क्या अब यहाँ ट्रेन है, यहाँ कोई कॉमन वर्ड लग रहा है? नहीं लग रहा, ठीक है, नहीं लग रहा यहाँ पर कोई कॉमन वर्ड, तो यहाँ पे ये जुड़ नहीं सकता, ठीक है। ट्रेन पर पहुंच ही नहीं गए हम, क्योंकि यहाँ बस है तो यहाँ 50 है, तो बस बस नहीं जुड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये 50 रख रहा है बस, तो यानी ये हमारा नहीं बन सकता, फॉलो नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 14वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट और 15वां क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 क्वेश्चन नंबर 15 पतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोसीड करते हैं और इसमें देखते हैं स्टेट नंबर 1 दे रहा है स्टेटमेंट क्या कि कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, पेन नहीं है। नंबर दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है ये कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसने दिए निष्कर्ष, ठीक है, और निष्कर्ष में ये बोला है कि कोई भी पेन बुक नहीं है, पहला निष्कर्ष, कोई भी पेन बुक नहीं है, बुक नहीं है। नंबर दूसरे में कह रहा है कुछ कारें पेन नहीं है, ये कॉपी है, ठीक है, कॉपी, कुछ कॉपी पेन नहीं है, ठीक है। नंबर 3 में कह रहा है नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। नंबर 4 में कह रहा है सभी बुक कॉपी हैं, सभी बुक कॉपी हैं, कॉपी है। नंबर 5 में कह रहा है ऑल बुक, ऑल कॉपी आर बुक, सभी कॉपी बुक है, सभी कॉपी कॉपी बुक है, बुक है। नंबर 6 नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, कोई भी कॉपी कॉपी बुक नहीं है, नहीं है। अब देखिए इसमें तो हमने क्वेश्चन को पूरा लिख लिया, आप देखिए तो कोई भी यानी कोई भी कितना होता है 100 रखता है, कोई भी यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट के पास भी 100 ही होगा, ठीक है। और कोई भी यानी मैंने बताया था कोई भी, तो क्यों 100 देते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 10 स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और क्लास में 10 ही स्टूडेंट है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं सभी इंजीनियर है, या कोई भी नहीं है,
अब जैसे मैं कहूँ कि 10 स्टूडेंट हैं और 10 इंजीनियर हैं, मैं कहूँ यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट डॉक्टर नहीं है, तो होता ही नहीं, तो कोई भी यानी 100% नहीं है, कोई भी यानी 100 दे दो उसे भी, ठीक है, और निगेटिव है तो पीछे भी इसे 100 दे दो, ठीक है। अब चलो पढ़ते हैं, कोई भी पेन बुक नहीं है, कोई भी यानी 100, निगेटिव यानी 100, ठीक है, तो 100 100 पढ़ा, 100 100 है ही। देख लेते हैं पेन और बुक के पीछे बात कही है दो सेंटेंस है, तो पेन और बुक, पेन बुक ऊपर ही मिल गए, 100 100 वाले कार में खत्म। नंबर दूसरा, कॉपी और पेन के बारे में बात की है, कॉपी पेन नीचे वाले से मिल जाएगा, ठीक है, तो कॉपी पेन कितना, कुछ कॉपी यानी 50 बना दिया कुछ को, और निगेटिव है तो ये 100 हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉपी को इन्होंने 50 बोला, पेन को 100 बोला है, हमारे पास दोनों हैं तो ये भी सही। अब क्या है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, ठीक है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक, तो बुक किधर गई, तो बुक और कॉपी के पीछे बात की इन्होंने, तो बुक कहाँ है, बुक ये रही, कॉपी ये रही, जोड़ना पड़ेगा हमको भाई, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा, तो हमने जोड़ दिया ऐसे, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, अच्छा कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, तो कोई भी बुक, तो बुक ये रही, ठीक है। अब पेन, पेन कोई भी पेन, ठीक है, और पेन यहाँ भी है, ठीक है, पेन पेन यहाँ भी है, दोनों के पास 100 है तो ये जुड़ जाएगा, एक के पास नो या ऑल होना चाहिए तो है, तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है, कोई भी यानी नो है एक बार। तो अब क्या है, कोई भी बुक, बुक 100 है, कॉपी भी 100 है, तो कोई भी 100, बुक भी 100, तो ये भी सही, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्या कहा है उन्होंने, कोई भी कॉपी बुक नहीं है, ठीक है, कोई भी बुक कॉपी बुक नहीं है, तो सभी बुक कॉपी हैं, तो ये तो दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है, तो दोनों नेगेटिव सेंटेंस हैं, और हाँ ये गलती हो गई थोड़ी हमसे, दो नेगेटिव सेंटेंस, ये आप याद रखिए, दो नेगेटिव सेंटेंस कभी भी जुड़कर आपस में कंक्लूजन नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट के लिए, यहाँ दो नेगेटिव सेंटेंस, दो नेगेटिव सेंटेंस आपस में जुड़कर कोई भी कंक्लूजन नहीं देते, कोई भी निष्कर्ष नहीं देते, निष्कर्ष नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये नोट करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो निगेटिव सेंटेंस आपस में जुड़कर कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं देते हैं, कोई भी निष्कर्ष वो नहीं निकालते हैं, ठीक है, तो यानी ये दोनों जुड़ने से बना है, ठीक है। कुछ बुक कॉपी हैं, सभी बुक कॉपी हैं, ये कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और दोनों निगेटिव में चल रहा, देखो कॉपी और बुक, बुक और कॉपी दोनों दूसरे में ये जुड़ नहीं सकते कभी भी, तो कंक्लूजन कोई देगा ही नहीं, कट हो जाएगा, सभी कॉपी बुक है, कॉपी और बुक की बात की है, दोनों जुड़ने से मिलेगा पर जुड़ेंगे नहीं ये कभी, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी कॉपी बुक की बात की है तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जुड़ते नहीं है, तो इस तरह ये सब गलत, तो सही है ऊपर वाला, ठीक है। तो इस तरह से 15वां क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, हमने बताया दो नेगेटिव सेंटेंस आपस में कभी नहीं जुड़ते और कोई भी जुड़कर कंक्लूजन नहीं देते, ठीक है, इंडिविजुअल कंक्लूजन दे सकते हैं जैसा कि मैंने इंडिविजुअल कंक्लूजन दिया था, एक एक करके अपने अपने में दिया था, पर ये आपस में जुड़कर कभी कंक्लूजन नहीं देते, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और इससे पहले अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो 3 पार्ट्स हमारे यहाँ जा चुके हैं, उन्हें देखना कभी ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि इसका बेस क्या चलो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।